ये है मैनका, रंभा, उर्वशी और काफ़ी सारे नृतक हैं यहाँ पे। इंद्रदेव के काफ़ी सारे नृतक हैं यहाँ पे नृत्य करते हुए। ये पायलट बाबा के पंछी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे पंछी हैं यहाँ पे। तो ये है पायलट बाबा का गार्डन। और गाइस जो ये पत्ते हैं, ये पत्ते बहुत प्यारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, आप इनको घर पे लगा सकते हैं। बस पत्ते ही पत्ते। जय हो बाबा। जिराफ। ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया। तो बहुत विशाल काय जानवर होते हैं, इनकी टांगे हम जितनी होती है। ए बहुत बड़ी लात भी मारते हैं। आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं बड़े डांडी यात्रा पे। और आप सीसीटीवी की नज़र में हो, अगर किसी मूर्ति को स्पर्श करते हो तो उस पर आपको फाइन। हम हैं पायलट बाबा आश्रम हरिद्वार में, मैं कमु अमन हम तीनों ही आए यहाँ पे। ये पर्ची कटी यहाँ पे 5 रुपये की और भाई ने हमसे 20 रुपये लिए। जब मैंने इस पे देखा तो इस पे मतलब 5 रुपये पर पर्सन था, तो मैंने बोला खुले है खुले लाओ। तो मतलब मैंने कहा यार जितना रेट है उतना तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो ना यार, 15 रुपये तो 15 रुपये बोलो, तुम 20 रुपये कैसे बोल रहे हो। तो ये है थोड़ा, बाकी आपको आश्रम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे भोलेनाथ के दर्शन होते हैं हमें अंदर आते ही। ये हमारे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। इसके बाद अंदर तो काफ़ी अच्छा है, इधर भोले की मूर्ति है, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे घोड़े पे महाराणा प्रताप विराजमान है और हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज। इधर हमारे विष्णु भगवान है शायद, 3 मुंह वाले। और उसके बाद इधर भारत माता, मैं भारत माता हूँ। थोड़ा आपको यहाँ से नज़ारे दिखाए हम, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। श्री कृष्ण जी हैं, इधर राम जी हैं, गणेश जी हैं, लगभग सारे भगवान हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शायद इनका ये बाबा का मंदिर है, सॉरी ये बाबा का है मंदिर ही है, जो भी है। रानी लक्ष्मीबाई है, गौतम बुद्ध जी हैं, काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार। यहाँ पे स्नेक है, एक तरफ शिव जी और एक तरफ पार्वती हैं, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई है, काफ़ी पुरानी तोपे हैं। यहाँ पे समुद्र मंथन का बखान किया हुआ है, इधर राक्षसगण और इधर देवगण, ये समुद्र मंथन हो रहा है, तो काफ़ी शानदार है यहाँ पे। ओ माय गॉड, काफ़ी पुरानी गाड़ी भी यहाँ पे एक। ओ हमारे नेताजी, डांडी यात्रा पे। और आप सीसीटीवी की नज़र में हो, अगर किसी मूर्ति को स्पर्श करते हो तो उस पर आपको फाइन देना पड़ेगा। गंगा धाम, कैलाश धाम, काफ़ी सुंदर यहाँ पे भगवान जी विराज रहे हैं। यहाँ पे हमारे श्री राम जी और हनुमान जी उनके चरणों में हैं, लक्ष्मण जी उनके बगल में हैं, सीता मैया है, ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं। यार नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं यहाँ पे आके, मतलब लगा कि हाँ कुछ है देखने लायक। समाधि है यहाँ पे, गिरी बाबा अवतार, गिरी बाबा हरी गिरी जी बाबा भोलेनाथ हैं। ओ नंदी, कितना बड़ा नंदी है यार, वाह काफ़ी शानदार है। मैन का रंभा, उर्वशी परियां हैं। और इधर हमारे राम जी वनवास को जा रहे हैं। इधर मेरे को लग रहा है सुग्रीव की गुफा, काफ़ी बड़ा है यार। ओहो, ये हमारे कृष्ण जी, कृष्ण बलराम, हमारे भोलेनाथ। और ये महाभारत
को दर्शाता है, मतलब पूरी कहानियाँ यहाँ पे है जो भी महाभारत वगैरह में, रामायण महाभारत में हुई है, तो सब कुछ यहाँ पे दर्शाता है। और लोग भी इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, और इधर भगवान जी के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ये कृष्ण ओ हरि, श्री हरि नरसिंह अवतार। यहाँ पे बुद्ध जी ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ इतने बड़े हैं कि आपको कैसे दिखाऊंगा। और हमारे नंदी जी, सारे ऋषि मुनि दिखने को मिल जाएंगे, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, भार्गव ऋषि, वरिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, यहाँ पे आप कृष्ण जी को देख सकते हो। वाह, अभी इतना सिनेमैटिक निकालने का टाइम तो नहीं है। पिंडी दर्शन ये वहाँ का है, माँ वैष्णो देवी का पिंडी दर्शन, मतलब मेरे को लग रहा है पूरा चारों धाम इधर ही बसा रखा है। बाबा भैरव बहुत शानदार बना है यार, बहुत सटीक है ये कंस का वध। यहाँ पे ये वो वाली लीला है गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, देख सकते हो गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। काफी सुंदर, मतलब काफी अच्छे तरीके से बना हुआ, सारी लीलाएं हैं यहाँ पे, सारी लीलाएं, कृष्ण की लीला है, राम की लीला है। ये जगह मतलब लगा मुझे कि हाँ देखने के लिए है। वाह, देख सकते हो आप यार कितना मतलब अच्छा है, शिव के अनेकों रूप देखने को मिलेंगे आपको, अनेकों रूप जिसने भी बनाया है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। यहाँ पे लाइक स्विमिंग पूल टाइप भी है कुछ यहाँ पे, हाँ उस चीज़ का बखान है जब गोपियाँ नहा रही थी और श्री कृष्ण उनके कपड़े चुरा के ले गए थे। इधर से हम घूम के आते हैं तो यहाँ पे केले का पेड़ दिख रहा है हमको, और यहाँ पे ये भी कुछ स्टोरी होती होगी उनके बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। ये हमारे भोलेनाथ जी विकराल रूप में, राष्ट्रीयता हमारा सर्वोपरि धर्म है। देख सकते हो कितनी पुरानी गाड़ी है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, ऑस्ट्रिच का है। तो ये पूरी कृष्ण लीला है, यहाँ पे पुदीना का वध हो रहा है, जो कृष्ण भगवान उसका दूध पी के मरती है, बगुला का, फिर यहाँ पे गाय की लीला, मतलब सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जब कृष्ण भगवान को माँ यशोदा बांधती है अपने ओखल पे, यहाँ की लाइट है नहीं, काफ़ी मतलब अच्छा, पूरी लीलाएं जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये है मेनका रंभा उर्वशी, और काफ़ी सारे नृतक हैं यहाँ पे, इंद्रदेव की काफ़ी सारी नृतक हैं यहाँ पे नृत्य करते हुए। बिल्कुल 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 आंटी, और काफ़ी शानदार यहाँ पे दिख रहा है। ये पायलट बाबा के पंछी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे पंछी हैं यहाँ पे, यहाँ पे खरगोश वगैरह भी हैं, ऑस्ट्रिच भी है, ओ माय गॉड वो है सामने पे दो, काफ़ी बड़े हैं, वो देखो दो ऑस्ट्रिच हैं,
और यहाँ पे सारे बगुले कुछ है, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पे डक वगैरह हैं, कबूतर हैं, खरगोश हैं, ऑस्ट्रिच हैं। तो ये है पायलट बाबा का गार्डन और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है यहाँ पे, पूरा एसी फर्स्ट क्लास। तो गाइस जो ये पत्ते हैं, ये पत्ते बहुत प्यारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, आप इनको घर पे लगा सकते हैं। बस पत्ते ही पत्ते। जय हो बाबा जी, जय हो पायलट बाबा की। और उसके बाद यहाँ पे काफी सारा जो यहाँ पे गार्डनिंग की गई है। जिराफ। ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, तो बहुत विशाल काय जानवर होते हैं। इनकी टांगे हम कितनी होती है, ए ए बहुत बड़ी लात भी मारते हैं। और यहाँ आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ। ये सारे सीमेंट के आवाज आती है, देखिए टन 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 टन। मेरा थोड़ा ना रूम। और ये होता है बाबा का गार्डन खत्म। बहुत खूबसूरत इधर भी है।